दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है मजेदार शो में जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन। मजेदार तो नहीं कह सकते, काफी कंफ्यूजन सा हमारा शो है और बिल्कुल हम आपको कंफ्यूज करेंगे भी और हम भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि शो का नाम ही ऐसा है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ मेरे को होस्ट का। तो क्योंकि आज मेरे को होस्ट ने मैंने पिछली बार गड़बड़ कर दी तो इस बार उसने गड़बड़ कर दी, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो चलिए वरुण जी आज है मेरे साथ। वरुण आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस कन्फ्यूजन में। जी थैंक यू मीनल जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम मिसेस कन्फ्यूजन में। और आज आपको नई आवाज सुनने को मिलेगी। तो और अभी हमारे साथ हम एक और अपने को होस्ट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जब तक वो जुड़ते हैं हम शुरुआत कर लेते हैं। जी जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ। ओके तो यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मिसेस कन्फ्यूजन में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में, और इस शो में हम परखते हैं आपकी रीजनिंग और मैथ्स एबिलिटी को, और देखते हैं कि आप हमारे प्रश्नों से कितने कंफ्यूज होते हैं। जी बिल्कुल, कंफ्यूज तो होते ही हैं साथ में, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कुछ शोज ऐसे हैं जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो बिल्कुल हमारे इस शो में हम आपको कंफ्यूज तो करते ही हैं, साथ में कुछ सीखने को भी मिलता है। स्पेशली वो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं उनको काफी हेल्प होती है। और मैं चाहती हूँ अभी सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप चैट करें, आंसर देने की कोशिश करिएगा। हालांकि टफ होते हैं लेकिन ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो जितना ज्यादा आप आंसर दोगे, आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मुझे फटाफट से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जी तो चलिए शुरुआत करें आज के शो की। बिल्कुल जी मीनल जी, इससे पहले आप शुरुआत करें अपने हमारे दर्शकों को, ये तो हमने श्रोताओं को ये तो बता दीजिए कि वो कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हमें मैसेजेस दे सकते हैं और कैसे रिप्लाई देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, दीपा जी कहती है वेलकम, सभी को वेलकम कर रही है। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। और दीक्षा जी का भी आज हमें चैट आया, तो दीक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिल्कुल मैं बता दूं हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जो स्काइप यूजर है वो रेडियो उड़ान की हमारी आईडी है अपनी। अगर आप ऐड नहीं हो तो आप अभी हमें रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आईडी है हमारी रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN, ये है हमारी आईडी। आप अभी रिक्वेस्ट भेज के आप अभी से ही हमारे साथ ये वाला जो गेम है इसमें आंसर्स अपने भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए भी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ व्हाट्सएप पे खेलना तो बिल्कुल मेरा नंबर है 888-6523-455, ये मेरा नंबर है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 888-6523-455, ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे ऐड कर सकते हैं और मुझे चैट करके अपने आंसर्स दे सकते हैं। जो अभी सुन रहे हैं वो भी दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना नाम जरूर एक बार लिख दीजिएगा, बार बार अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। और जो वॉइस चैट करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो कोशिश करिएगा कि आप हमें चैट ही लिख के भिजाएं, ताकि आपके आंसर हम इजीली जल्दी से जल्दी पढ़ सके और दूसरे लिसनर्स का भी मिस आउट नहीं हो। तो चलिए ये था हमारे साथ जुड़ने का तरीका, और हम फटाफट से शुरू करते हैं आज के गेम को। आप लोग रेडी हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसके पहले एक मजेदार बात करते हैं। बात ये है कि कहते हैं कि प्यार से रहो लड़ाई मत करो, अगर दोनों ही करना है तो विवाह कर लो। क्या बात तो ये एक कहावत थी जो मुझे अच्छी लगी, इसी बात से हम शुरुआत करते हैं कि आगे हम आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए पहले एक थोड़ा सा जोक होना चाहिए, बनता है वो। सवाल पहला है आज के शो का, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है नंबर जो ग्रुप के बाहर है। और नंबर है 3, 5, 11, 14, 17, 21। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, नंबर है 3, 5, 11, 14, 17, 21। इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो ग्रुप से बाहर है, ये आपको बताना है। और इसके लिए चॉइसेस है हमारे पास 21, 17, 14, 3।
एक बार मैं चॉइसेस दोबारा से रिपीट करती हूँ. चॉइसेस है 21, 17, 14 और 3. जी तो याद जी, इस समूह में से कौन सा भिन्न है? 5, 11, 14, 17, 21 आपके विकल्प हैं ए 21, बी 17, सी 14 या फिर डी 3. जी और आपका टाइम हाँ. शुरू होता है अब. जी जी मैं फिर क्वेश्चन बता दूं, इस समूह में से कौन सा भिन्न है? 3, 5, 11, 14, 17, 21 और आपके जो विकल्प हैं वो है ए 21, बी 17, सी 14 या फिर डी 3. जी जी वरुण आप कुछ कह रहे थे. जी डॉक्टर यूसुफ वरा रिप्लाइड और टाइमर चल रहा है. जी बिल्कुल टाइमर चल रहा है. दिली जयसवाल जी रिप्लाई कर दिए हैं. आशीष अग्रवाल जी का भी रिप्लाई आ गया है मुझे. दीपा जी ऑल्सो रिप्लाइड. तो आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन आउट क्या है. 3, 5, 14, 17, 21, 19 यही नंबर होंगे. ओके टाइम भी खत्म हो गया है. तो जी वरुण जी यूसुफ वोरा जी कहते हैं 14 और सरिता कैंपा जी का हमारे पास रिप्लाई आया है वो कहती हैं ऑप्शन डी. ओके और हम बता देते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो है 3. और मेरे पास जो आंसर आए हैं मैं बता देती हूँ. दीपा जी कहती हैं 14, दिलीप जायसवाल जी कहते हैं 21, आशीष अग्रवाल जी कहते हैं 14 और जितने ही आंसर फिलहाल मुझे आए हैं. और जो सही आंसर है वो है, एक और आंसर आया मेरे पास, चेक कर लेते हैं किसका है वो. ओके मोहन जी भी रिप्लाई कर चुके हैं और मोहन जी कहते हैं ऑप्शन सी. और जो ऑप्शन सी है वो है 14. तो जो सही आंसर है वो भी है 14. बहुत सिंपल था. इसमें सिर्फ आपको, अगर आपने सुने होंगे नंबर सारे जो हमने आपको बताए थे, 3, 5, 11, 14, 17 और 21, इसमें से सारे के सारे जो है वो ऑड नंबर है सिवाय 14 को छोड़कर. 14 जो है वो इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स हैं. जी बिल्कुल आसान था, उत्तर था और लोगों ने दिया भी 3, 5, 11, 14, 17, 21. इसमें से 14 को छोड़कर सभी विषम संख्याएं हैं और 14 सम संख्या है, तो आंसर 14 ही होगा. जी तो मीनल जी, किस किसका ठीक है? बिल्कुल मैं यही बता रही हूँ कि मोहन जी, दीपा जी और आशीष जी का मेरे पास सही आंसर. आशीष फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता वाले जी. तो ये तीन लोगों के आंसर मेरे पास सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है वो है, अ मैन परचेस ए काउ इन 3,000 रुपीज एंड सोल्ड इट द सेम डे फॉर 3,600, यानी कि 3,600. Allowing the buyer a credit of 2 years, if the rate of interest is 10%, then how much the profit the man gain? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. A man purchased a cow in 3,000 rupees and sold it the same day on for 3,600, allowing the buyer a credit of 2 year interest. If the interest rate is 10% per annum, the man has gained what profit. ठीक है, तो ये सवाल था. अगर हिंदी में शायद यादव जी आपको बता देंगे. मैं आपको चॉइसेस बता देती हूँ. चॉइसेस है हमारे पास 0%, 5%, 7.5% और 10%. एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ. चॉइसेस है 0%,
5%, 7.5% और 10%। जी यादव जी, जी बिल्कुल। एक व्यक्ति 3,000 रुपए में एक गाय खरीदता है, लेकिन वह उसी दिन उसी गाय को 3,600 रुपए में बेच देता है खरीदार को, इस अनुमति के साथ कि वह 2 साल यह राशि ब्याज सहित देगा और ब्याज का जो ब्याज की दर होगी वो 2% वार्षिक होगी। आपको ये बताना है, 10%, मैं माफी चाहूंगा, आपको बताना है ये कि मूल राशि में उसका जो लाभ है वो कितना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं प्रश्न। एक व्यक्ति एक गाय 3,000 रुपए में खरीदता है, लेकिन उसी दिन वह उसे 3,600 रुपए में बेचता है खरीदार को, इस अनुमति के साथ कि वह 3,600 रुपए जो कि इंटरेस्ट के साथ 2 साल में चुका सकता है, मतलब ये 3,600 रुपए में ब्याज भी शामिल होगा, इंटरेस्ट के साथ चुका सकता है 2 साल के अंदर, ब्याज की दर होगी 10% वार्षिक। आपको ये बताना है कि मूल राशि में जो उसे उसे कितना लाभ मिला। आपके विकल्प हैं ए 0%, बी 5%, सी 7.5% या फिर डी 10%। जी तो टाइमर आपका शुरू हो गया है। अब बहुत सिंपल सा सवाल है अगर हम देखते हैं तो, और आशीष जी, दीपा जी का जवाब मुझे आ भी गया है, मोहन का भी जवाब मुझे आ गया है, देखते हैं बाकी लिसनर्स के अगर हमें जवाब आते हैं तो। एक आदमी ने गाय खरीदी 3,000 रुपए में और उसे सेम डे 3,600 रुपए में बेच दी, और इस शर्त पे बेची है कि 2 साल के बाद वो पर एनम 10% के हिसाब से उसको ब्याज देगा। तो आपको बताना है कि उस आदमी को कितना प्रॉफिट हुआ है। दिलीप जायसवाल जी का भी आंसर हमें आ गया है। वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा घुमा के, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, और घुमा कर पूछे जाने सवाल तो वाले सवाल तो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे ही, क्योंकि इसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन। और क्या टाइमर स्टार्ट हो चुका है? जी हाँ, टाइमर ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाला है और हो भी गया वैसे जी। तो वरुण, कोई आंसर आए हैं आपके पास? जी मेरे पास आंसर आए हैं, सरिता जी का आंसर मेरे को अभी तक मिला है। ओके, वो कहती है 5%। ओके, जो मेरे पास आंसर आया मैं बता देती हूँ। दीपा जी कहती है 0%, मोहन जी कहते हैं 0%, और विनीता जी का एक आंसर हमें आया है, वो कहती है 5%, आशीष अग्रवाल जी कहते हैं 10%, दिलीप जी कहते हैं 5%, और हम कहते हैं 0%। जी हाँ, सिर्फ दीपा जी और मोहन जी का जो आंसर आया है वो सही है मेरे पास, 0% इज द राइट आंसर। तो देखिए, यूं तो इस सवाल का फॉर्मूला हो सकता है जो कि आपको बता ही देंगी मीनल सिंघवी जी, लेकिन इस सवाल को सुलझाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, वो ये है कि आप देखिए कि एक व्यक्ति गाय 3,000 रुपए में खरीदता है लेकिन 3,600 रुपए में बेच देता है, इस अनुमति के साथ कि वह रकम ब्याज सहित, मतलब इस ये पूरी ब्याज इंक्लूडिंग ब्याज होगी, ये राशि ब्याज को जोड़कर 3,600 रुपए में बेचता है, इस अनुमति के साथ कि 2 साल में वो ये रकम चुकाएगा और ब्याज की दर रही 10%। तो आप सिर्फ 3,000 को ही माइंड में रख के उसका ही ब्याज निकाल लेंगे और 10%, 10 कम कर दीजिए क्योंकि 10 में तो 300 रुपए सालाना और 2 साल का 600%, तो 600 रुपए आ जाएगी। तो यहीं से ही आपका जो सवाल है ये सॉल्व हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसके पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, वरुण मैं ये जानना चाहूंगी कि सरिता ने क्या जवाब दिया था? 5%। ओके, चलिए, एक्चुअली बहुत सिंपल था, जहां पर हमने 10% बोला था और हमने ये कह दिया था कि उसने 3,000 में गाय खरीदी थी, तो सीधा सीधा अगर फॉर्मूले से हम जाएं तो 1010 का जो है वो 3,000 में से कट हो जाएगा, यानी कि 300 रुपए उसको पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 300 रुपए पर एनम देगा तो 2 साल का वो 600 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3,600 रुपए उसे 2 साल के बाद देना पड़ेगा, और उसने सेम डे जो गाय को बेचा था वो भी 3,600 में ही
भेजा था, यानी कि ही डोंट गेन एनी प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिकॉज ही सोल्ड द काउ इन द सेम 3600 रुपीस विच वी हैव प्रॉमिस्ड द बायर कि ही विल गिव द अमाउंट इन टू इयर्स अप विद द 10% ईयर पर एनम. तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. इंटरेस्ट 10% अगर हमें निकालना हो तो बहुत सिंपल होता है. अब मुझे पता है कि अब हमारे लिसनर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इन सब चीज़ों का. तो ये बहुत, और वैसे भी किसी भी अमाउंट का जब आपको 10% निकालना हो, अगर उसमें ज़ीरो हो तो बिल्कुल उसको हमें पहले एक ज़ीरो कट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 10% इतना होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. ये सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, पर देखते हैं लिसनर्स को कितना पसंद आता है. सवाल है, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इन अ क्रिकेट मैच, सॉरी, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स इन द क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? आपको बताना है एक क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग के 10 ओवर में जो रन रेट था वो था 3.2 रन रेट था, 3.2 के रन रेट के सबसे चल रहा था, लेकिन बाकी के जो 40 ओवर बाकी थे उसमें से उन्हें 282 टारगेट बनाने के लिए क्या रन रेट की जरूरत पड़ेगी. और चॉइसेस है 6.25, 6.5, 6.75 और 7. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. चॉइसेस है 6.25, 6.5, 6.75 और 7. जी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है. एक क्रिकेट मैच में दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी टीम की रन औसत शुरुआती 10 ओवर में 3.2 थी. आपको बताना है ये कि 282 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाकी बचे 40 ओवरों में कितने रन औसत की जरूरत होगी. आपका आपके जो विकल्प हैं वो ए 6.25, बी 6.50, सी 6.75 या फिर डी 7. जी और टाइमर आपका शुरू हो गया है. देखते हैं दीपा जी का आंसर हमें आ गया है. दीपा जी बहुत फास्ट जा रही हैं. दिलीप जी का भी जवाब आ गया है हमें. जी बिल्कुल, क्रिकेट के प्रशंसक तो इस प्रश्न का उत्तर देने में देरी नहीं करेंगे. जी बिल्कुल, करने भी नहीं चाहिए, काम ही है. सवाल बहुत सिंपल है अगर हम देखते हैं तो, कि 10% हमें अब आंसर दे रहे हैं पिछले सवाल का, लेकिन वो खत्म हो गया. अब नया सवाल हम पूछ रहे हैं. सवाल ये है कि क्रिकेट मैच में स्टार्टिंग के 10 ओवर में जो रन रेट था वो था 3.2, लेकिन बाकी बचे 40 ओवर में अगर 282 रन बनाने हैं तो किस रन रेट की जरूरत होगी, आपको ये बताना है. ऑप्शन से 6.25, 6.5, 6.75 और 7. जागो स्काइप वालों, जागो, व्हाट्सएप वाले तो जाग गए हैं. ओके, तो टाइमर भी हो गया है. वैसे तो जो आंसर मेरे पास आए हैं मैं बता देती हूँ. दिलीप जी कहते हैं 7% और 7 रन रेट की जरूरत पड़ेगी. दीपा जी कहती है 6.75 कहती हैं दीपा जी. और एक और आंसर मेरे पास आया था आशीष जी, पता नहीं 10% बता रहे हैं. तो आशीष जी आपका ये सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है. ये पिछले प्रश्न का संभवतः उत्तर देने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इनसे अनुरोध है कि अपनी प्लेलिस्ट को एक बार रिफ्रेश करें. जी और मोहन जी जो है वो कहते हैं 6.25 रन रेट की जरूरत पड़ेगी. इतने ही जवाब मेरे पास आए हैं. वरुण जी, नील बटा सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा तो बिल्कुल. और जवाब एक ही सही है, 6.25. और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इसका मोहन का रिप्लाई बिल्कुल ठीक है. जी बिल्कुल ठीक है. और इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है
कि यदि एक टीम को लक्ष्य का पीछा करते हुए एक टीम ने शुरुआती 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से रन बनाए, अब वो कितने रन बनाए, तो 10 × 3.2, तो 10 के साथ जब गुणा करते हैं तो 3.2 का दशमलव हटा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 32 रन बनाए 10 ओवर्स में। कुल लक्ष्य 282, लेकिन 10 ओवर में बन चुके हैं 32, तो 50 ओवर्स का मैच है, 10 ओवर्स कम कर दीजिए, बचे हैं 40 ओवर जो कि हमने पूछे भी थे। 282 में से आप 50 को और 32 को घटा दीजिए, क्योंकि 32 तो बन चुके हैं, जब हमने ओवर घटा दिए 10 ओवर में 32 बने हैं, तो 32 भी घटा दीजिए आप 282 में से, आपका जो जो रन शेष रहे वो रहे पूरे 250। अब 250 रनों की आवश्यकता है 40 ओवर्स में लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब आप 250 को 40 से भाग देंगे तो आप पाएंगे कि जो नतीजा है वो है 6.25, क्योंकि 40 को 6 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा, और 250 में से 240 घटाया 10, एक शून्य हमने ले लिया, क्योंकि 40 10 से डिवाइड होगा नहीं, तो हमने ले लिया, और 40 और 100 यानी दो बार गुणा किया तो आया 80, 100 में से 80 घटाया बचा 20, फिर हमने शून्य उधार लिया और 40 × 5 = 200, तो 6.25 हमने बहुत ही लंबे तरीके से मतलब पूरा भाग करके आपको समझा दिया है, 6.25 आपको आपका जो है उत्तर होना चाहिए। जी बिल्कुल, और अगर सीधा हम देखते हैं, जब कभी भी हमें रन रेट निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है कि जितने भी ओवर है उनको रन से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रन रेट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो एज इट इज, जैसे यादव जी सेड कि ऑलरेडी वी दे मेड, आशीष जी हमें रिप्लाई करते हैं, आशीष जी आपका आंसर हमें लेट आया इसलिए हम आपका आंसर नहीं ले पाएंगे। वेल, मैं बता रही थी कि ऑलरेडी दे मेड इन 10 ओवर्स 3.2 अकॉर्डिंग टू रन रेट, 3.2 रन रेट के हिसाब से वो 10 ओवर में रन बना चुके थे। द टारगेट वॉज 282, देन इफ वी मल्टीप्लाई द 10 इंटू 3.2 दैट द यादव साइड की पॉइंट हटा दीजिए, तो 32 रन उन्होंने बनाए थे। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हमें ये पता करना हो कि 10 ओवर में 3.2 की रन रेट से उन्होंने रन बनाए थे, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हमें ये देखना है कि बाकी रनों में कितनी रन रेट की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें जितने ओवर है उससे जितने नंबर है उनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको हर वक्त याद रखना चाहिए मुझे लगता है, ताकि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपको आसानी हो जाए। तो बस बहुत सिंपल था कि आपको जो 10 को 3.2 से इंटू करना था, तो आगे थे हमें 32 रन्स, और ऑलरेडी हमें 282 रन्स चाहिए थे जिसमें से 32 बन चुके थे, तो अगर हम 282 को 32 माइनस कर देंगे तो बचेगा 250, देन डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 6.25, जो कि यादव जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़े या एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है? वरुण, क्या आप स्कोर बता सकते हैं? जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ स्कोर। जी ओके बताता हूँ जी। और जी यूसुफ वोरा जी 1, सरिता जी 0, मोहन जी 3, दीपा जी 2, आशीष अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता 1, और दिलीप जी 0। ओके तो स्कोर से स्पष्ट है कि मोहन बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन दीपा जी उनका पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और दीपा जी और आशीष अग्रवाल जी चाहते हैं कि एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करें। तो क्या यादव जी आप एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल, एक्सप्लेन ये है कि 50 ओवर्स में किसी टीम को 282 रन चाहिए, ये पूरा स्कोर कार्ड है, मतलब बनाने हैं। अब 10 ओवर्स हम कम करेंगे, क्योंकि 10 ओवर्स में 3.2 की रन रेट से रन बनाए, चूंकि मामला 10 का है तो हम ये दशमलव हटा देंगे, और दशमलव हटाने के बाद जो हमारे पास
नतीजा आएगा वो 32 रन बने हैं। इसके अलावा आप 10 को गुणा 3 भी कर सकते हैं, 3.2 तो भी 32 आएगा, यानी 282 में से 32 रन आप कम कर दीजिए। आपके पास बचे रन 250, ओवर्स हैं 40, 250 को आप 40 से भाग दे दीजिए तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 6.25। जी, तो जैसे कि मैंने बताया था कि रन रेट निकालने के लिए रन रेट निकालने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला है कि जितने भी ओवर बचे हैं उनको रन से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। बहुत सिंपल, ये एक लॉजिक है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इट वॉज संडे ऑन जैन फर्स्ट 2006, व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक January 1st, 2010। आपको बताना है व्हाट वॉज द डे ऑन द वीक फर्स्ट जनवरी 2010। एंड ऑप्शन है संडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेनसडे। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और वेनसडे। जी यादव जी, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। आपके विकल्प ए रविवार, बी शनिवार, बी सी शुक्रवार या फिर डी बुधवार। यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार आता है तो इसी क्रम में 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा। ए संडे, ए रविवार, बी शनिवार, सी शुक्रवार या फिर डी बुधवार। जी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जी, और बहुत सिंपल वे होता है जब हमें कभी डे निकालना होता है, लेकिन द थिंग इज कि थोड़ा सा लिसनर्स को या हमें भी नहीं पता था, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी मिसेस कंफ्यूजन से जुड़ने के बाद ही पता लगा है। जी, मैंने ये जो डेज हैं, ये जब मैं 8वीं कक्षा में हुआ करता था तब मैंने एक्यूरेट निकालने सीखे थे कि 15 अगस्त और इस दिन क्या बार था, इसका मैथमेटिकल तरीका है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं, टाइमर स्टार्ट हो गया है। और मैं बता दूं कि इस बार सबसे पहला जो जवाब आया है वो आया है आशीष अग्रवाल जी का, उसके बाद दिलीप जी का जवाब आया है हमें, दीपा जी का भी आ गया है और मोहन जी का भी जवाब हमें है। हमें पावेल जोरा जी का रिप्लाई आ गया है, सरिता जी का रिप्लाई हमें मिल चुका है। 1 जनवरी 2006 को अगर सवाल था रविवार, रविवार था तो आपको बताना है इसी क्रम में 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा, रविवार, शनिवार, शुक्रवार या फिर बुधवार। जी, तो देखते हैं। ओके, टाइमर भी हो गया है तो जी जी वरुण जी, पावेल जी कहते हैं, पावेल जी कहते हैं ऑप्शन डी। ओके, और सरिता जी का जो है वो हमें जो है वो मतलब जवाब जो है वो समझ नहीं आ रहा, वो कहना क्या चाहती हैं। ओके, तो डी यानी कि वेनसडे। और मैं बता दूं कि दिलीप जायसवाल जी कहते हैं शनिवार आएगा, आशीष जी, दीपा जी और मोहन जी कहते हैं कि फ्राइडे आएगा। और कोई जवाब आया वरुण? सरिता जी ने क्लियर किया है। वेट वेट वेट, वो टाइप कर रही हैं कुछ। ओके, चलिए 2 सेकंड हम रुक जाते हैं। बहुत सिंपल है एक्चुअली, वो कहती हैं संडे। ओके, संडे आएगा। जी, इस बार भी मैं बता दूं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरे व्हाट्सएप पे जो 3 आंसर आए। एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, पता नहीं क्या लिखना चाह रही है। खैर, हम संडे को आंसर मानेंगे क्योंकि उन्होंने पहला नहीं, आंसर नहीं, नहीं 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 संडे नहीं, वो कुछ उनका जो लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओके, खैर आप समझ
समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहला ही आंसर उनका मान्य होगा चाहे वो कोई भी हो। जी तो चलिए सरिता जी, आपने संडे लिखा है तो जो नहीं नहीं संडे नहीं लिखा उन्होंने, आप स्पेल कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। N B U D V A R जी, इसको समझने में हम सक्षम नहीं है जी, जी। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये आंसर जो है वैसे भी समय समाप्त हो चुका है जी, बुधवार लिखने की कोशिश कर रही है शायद को। ओके ओके चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आंसर्स है मैं बता रही थी कि मुझे खुशी है कि मोहन जी, दीपा जी और आशीष अग्रवाल जी का आंसर जो है फ्राइडे वो सही है। और ये बहुत सिंपल होता है एक्चुअली, जब हमें कभी डे पता करना हो, जैसे कि हमारे पास हमने क्वेश्चन में पूछा था कि संडे जो है फर्स्ट जनवरी 2006 के दिन संडे था, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 31 के दिन हमें पता है कि 31 दिसंबर 2005 के दिन शनिवार आता है, तो और नंबर देखने का एक मेथड होता है, जो संख्या जो साल पूरा साल जैसे कि 2006, 2005, 2007 जो भी साल चार से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहा जाता है, जो भी साल हो चाहे वो दो, यहाँ पर अगर हम देखें हमने 2006 से 2010 तक का देखना है अगर, तो 2008 जो है वो पूरा चार से डिवाइड होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, तो जो ऑड नंबर बनेंगे वो बनेगा 2006 का 1, 2007 का 2, 2008 का 2 पॉइंट गिनेंगे, मतलब 1+1, फिर 2008 के 2 बनेंगे क्योंकि लीप ईयर आता है वो, तो उसके 2 पॉइंट्स गिने जाते हैं प्लस 2, और उसके बाद 2009 तक का हमें गिनना है, तो 2009 यानी कि प्लस 1, यानी कि 1+1+2+1 ये मेथड होता है। तो अगर हम इस 9 तक की देखना है क्योंकि 31st, अगर हमें 31st का डे पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि 1 जनवरी 2010 को क्या डेट थी, तो अगर हम 1+1+2+1 करेंगे तो 5 आएगा, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 31 दिसंबर 2005 को अगर शनिवार था तो उसके बाद पांचवा दिन क्या आएगा देख लीजिए उस हिसाब से, नहीं सॉरी जी, जो पांचवा दिन होगा वो होगा दिन मतलब कि फर्स्ट जनवरी 2010 के दिन फ्राइडे आएगा, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फिफ्थ डे फ्राइडे आता है जी। जी मैं थोड़ा इसको विस्तार से समझाना चाहूंगा अपने नए श्रोताओं को कि दरअसल होता क्या है कि हम जानते हैं कि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, और उस हिसाब से देखे तो साल में 52 हफ्ते बनते हैं, क्योंकि 52 × 7 364, तो जो लीप ईयर होगा उसमें प्लस 2 इसलिए आएगा क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, और 52 × 7 = 364 होते हैं, 52 को 7 से गुणा करें 52 हफ्ते होते हैं लगभग साल में पूरे होते हैं 52 हफ्ते, और शेष 1 दिन और 2 दिन बचता है, तो जो लीप ईयर है उसमें 366 होते हैं दिन, इसलिए प्लस 2 होता है, अदरवाइज जो लीप ईयर नहीं होते उसमें प्लस 1 इसलिए होता है क्योंकि 52 को 7 52 हफ्तों में 7 364 दिन होते हैं, एक दिन बचता है वो 365वां दिन होता है, इसलिए प्लस 1 होता है। खैर 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो आप 1 जनवरी से जोड़िए, 52 हफ्ते होते हैं 364 दिन, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन होते हैं, यानी रविवार को पहला दिन है तो शनिवार को पूरा हफ्ता कंप्लीट 7 दिनों में, इसी तरह 364 दिनों में पूरे 52 हफ्ते कंप्लीट शनिवार, और एक दिन बचता है वो बचता है 2006 का वो 31 दिसंबर क्योंकि 2006 लीप ईयर नहीं है, यानी 1 जनवरी को रविवार है तो 30 दिसंबर को शनिवार होगा क्योंकि 364 दिन उसी दिन पूरे हो जाएंगे, 365वां दिन जो होगा वो भी रविवार हो जाएगा 31 दिसंबर को, और इसी वजह से 1 जनवरी 2007 को पड़ेगा सोमवार, क्योंकि 1 जनवरी 2007 भी लीप ईयर नहीं है इसलिए भी इसी फॉर्मूले से चलेंगे प्लस 1, 1 जनवरी 2008 को पड़ेगा मंगलवार।
अब 2008 शुरू हो चुका है और ये है अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, 366 दिन है, इसलिए हम प्लस 2 करेंगे क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं 364 हफ्ते पूरे होने के बाद, 52 हफ्ते पूरे होने के बाद, इसलिए हम पहुंच गए हैं प्लस 2 पे, यानी 1 जनवरी 2009 को गुरुवार होगा। अब 2009 शुरू हुआ, ये लीप ईयर है नहीं, इसलिए प्लस 1 होगा, 1 जनवरी 2010 को होगा शुक्रवार, और यही हमारा उत्तर है। मुझे आशा है कि आपको ये तरीका समझ आया होगा। जी, तो बहुत सिंपल होता है जब हमें ये पता हो कि 1 जनवरी को या किसी भी दिन कौन सा वार है, हमें ये पता कर लेना चाहिए कि हर साल का एक डे प्लस होता है और अगर लीप ईयर आता है तो उसके 2 प्लस होते हैं। अगर वो शुक्रवार का दिन अगर आपने आपको पूछा गया है तो सेम डे आप अगले साल अगर लीप ईयर नहीं है तो एक प्लस यानी कि सैटरडे जहाँ पे लीप ईयर आ जाएगा वहाँ पे I'm sorry, काफी प्रॉब्लम हो रही है आज, तो वहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। और मैं ये बता दूं कि लीप ईयर अगर आपको पता करना हो तो उसका बहुत सिंपल सा मेथड है, जो भी ईयर है वो पूरा की पूरा अगर 4 से विभाजित हो जाता है तो वो लीप ईयर में आता है। जी, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि वरुण जी आपने पॉइंट ऐड कर लिए होंगे। आशीष जी, मोहन जी और दीपा जी के सही थे आंसर। जी, मैं कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्कर ए टेक 8 आवर्स टू डू अ जॉब, वर्कर बी टेक 10 आवर्स टू डू द सेम जॉब, हाउ लॉन्ग इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम वर्क। चॉइसेस है 40/9 days, 40/7 days, 7.5 days, 8.5 days। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। वर्कर ए टेक 8 आवर्स टू डू अ वर्क, वर्कर बी टेक 10 आवर्स टू डू द सेम वर्क, हाउ लॉन्ग इट टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टूगेदर बट इंडिपेंडेंटली टू डू द सेम जॉब। चॉइसेस है 40/9 days, 40/7 days, 7.5 days, 8.5 days। जी यादव जी। जी जी, यदि एक ए एक काम को करने में 8 घंटे लेता है, बी उसी कार्य को करने में 10 घंटे लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कितने समय में पूरा कर पाएंगे? तो आपका जो विकल्प है ए 9/40, बी 7/40, सी 7.5 दिन में, या फिर डी 8.5 डेज यानी 8.5 दिनों में। तो आपको ये बताना है। और टाइमर शुरू होता है आपका। अब ए डू अ वर्क इन 8 आवर्स, बी डू द सेम वर्क इन 10 आवर्स, देन हाउ दे कैन टेक टाइम फॉर द वर्किंग टुगेदर बट इंडिपेंडेंटली फॉर द सेम वर्क। बहुत टफ लगता है मुझे ये सवाल, क्योंकि मेरे समझ में बहुत नहीं आया। मैंने काफी कोशिश की इसको समझने की, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे दिक्कत से ये सवाल बट मैं एक क्लू देना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें LCM आना चाहिए, क्या कहते हो यादव जी? ऐसे सवाल के लिए हमें LCM आना चाहिए। जी बिल्कुल, आना ही चाहिए। अगर ए एक काम करने में 8 घंटे लगाता है, बी उसी काम को करने में 10 घंटे लगाता है, ए और बी दोनों अगर एक साथ उस काम को करें लेकिन अपना अपना काम करें, तो आपको बताने कि दोनों को कितना टाइम लगेगा। ओके, टाइम हो गया है। जी वरुण, कोई रिप्लाई? वैसे तो नहीं है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। जी, मेरे पास एक रिप्लाई आया है, अभी भी देखते हैं। आशीष जी, ओके, आशीष जी कह रहे थे कि सवाल रिपीट करिएगा,
लेकिन आशीष जी हमने ऑलरेडी 3-4 बार रिपीट किया था सवाल. दिलीप जी कहते हैं 8.5 और मोहन जी का एक जी. आशीष अग्रवाल जी जो कि स्काइप पर हैं वो 40/9 कहना चाह रहे हैं. ओके तो जी मोहन जी भी 40/9 ही. एक मिनट जी. दिलीप मोहन जी भी कहते हैं ओके. मोहन जी जी मोहन जी कहते हैं ऑप्शन ए शायद वो ये लिख रहे हैं. एक्चुअली उन्होंने पहले लिखा था. एक मिनट मैं खोल के चेक करना पड़ेगा. देख लेते हैं 40/90s जी. चलिए तो इतने ही जवाब मेरे पास आए थे. दिलीप जी का जवाब सही नहीं है इस वक्त और आशीष जी आपने कहा था रिपीट करने के लिए तो वो भी खैर हमने बहुत बार कर दिया. तो मैं बता दूं जो सही जवाब है इस बार वो एक स्काइप पे सही है और एक व्हाट्सएप पे सही है. यानी कि 40/9 इज द राइट आंसर. तो बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है. अगर ए एक काम को 8 घंटे लगाता है अगर हमें उसका 1 घंटे का काम पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/8. अगर 20 उसी काम को 10 घंटे लगाता है. ओके आशीष जी का भी रिप्लाई आया लेकिन आशीष जी आप अपलेट हो गए जी. तो बी का अगर हमें 1 घंटे का पता करना है तो उसके लिए आएगा 1/10. अगर दोनों का हमें साथ में पता करना होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी यानी कि 1/8 प्लस 1/10. अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी कट हो जाए और 10 से भी कट हो जाए. सबसे छोटे से छोटा नंबर विच हैव टू बी डिवाइड बाई 8 ऑल्सो एंड 10 ऑल्सो. तो सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो आएगा 40 क्योंकि 40 जो है वो 8 5 जा 40 और 10 4 जा 40. तो अकॉर्डिंग टू दैट 1/40 प्लस 1/40. लेकिन क्योंकि हम 1 को भी जब हमारा जो प्रॉब्लम है वो 1/8 है तो हम बिना मतलब के 40 नहीं ले सकते. ऊपर के नंबर को भी इक्वल करना पड़ेगा. तो इसलिए क्योंकि 8 के टेबल में 45 टाइम्स जाता है तो यहाँ पर जो आएगा फॉर्मूला वो आएगा 5/40 और उसके बाद जो प्लस होगा क्योंकि 10 के टेबल में 4 टाइम आता है तो 4/40. तो अगर इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 9/40 और 40/9 क्या आएगा यादव जी? जी 9/40 आना चाहिए. जी 9/40 आएगा. तो जो 40/9 है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से. जी 9/40 होना चाहिए पर डेज में पूछा है तो मेरे हिसाब से 9/40 तो आवर्स का आएगा और डे वाइज आई एम नॉट श्योर बट 9/40 अगर हम लगाएं तो ठीक है ये. जी क्योंकि मुझे भी लगता है कि क्योंकि ओके ओके ऑप्शन में हमने 40/9 ही दिया था. जी 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 ऑप्शन में हमने 40 लेकिन ये डेज के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से 40/9 आएगा. 40/9 ही आएगा. 9/40 आएगा लेकिन ये आंसर डे में पूछा गया है. जी तो 40/9 जिसने कहा है उनका आंसर सही है. जी आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे मिनल जी स्काइप पे उस व्हाट्सएप पे किसका आंसर सही था? व्हाट्सएप पे सिर्फ मोहन जी का आंसर सही था. Okay. आशीष जी का आंसर आया था हमें जो कि लेट आया था और जी मोहन जी का ही आंसर आया था हमें और दिलीप जी का भी रॉन्ग था आंसर. ओके जी बिल्कुल. तो खैर ए एक काम को करने में 8 घंटे का समय लेता है. बी उसी कार्य को करने में 10 घंटे का समय लेता है. तो दोनों को हमें पहले 1 घंटे का काम जानने के लिए लिखना पड़ेगा. दोनों का 1 घंटे का काम यानी प्लस करना होगा. ए का 1 घंटे का काम और पहले सॉरी प्लस नहीं करना होगा. पहले दोनों का 1 घंटे के काम को जानने के लिए हम लिखेंगे 1/8 और बी का 1/10. अब दोनों को हम करेंगे प्लस ऑल ओवर क्योंकि ये जब साथ काम करेंगे तो कितना समय लेंगे. तो 1/8 जमा 1/10 ये हो गया. अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे क्योंकि हमें देखते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो बराबर नहीं है. हम इसको बराबर करेंगे. बराबर करेंगे लघुतम के साथ यानी एलसीएम के साथ. एलसीएम 8 और 10 का कोई ऐसी छोटी संख्या
जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 10 है क्योंकि 8 और 10, तो 10 हम देखते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके इकाई में शून्य जरूर आएगा। तो हम देखेंगे 10, 20, 30, 10 से तो डिवाइड होती हैं, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो पाएंगी। हाँ, 40 जब आएगी तो ये दोनों हो जाएंगी, 8 और 10 से डिवाइड हो जाएगी 40 की संख्या। अब 1/8 और 1/10, 8 और 10 का जो लघुत्तम है वो है 40। तो हम चूंकि 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आता है, तो ऊपर जो 1 है उसको भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। बचा ये हो गया 5/40। अब 1/10 में 10 गुणा 4 40 होता है, तो 1 को भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये हो गया 5/40 प्लस 4/40, तो 9/40, और डे में निकालेंगे तो 40/9, क्योंकि 9 से भाग देंगे हम जी। तो ये था एक्सप्लेनेशन। फटाफट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है, तो देखते हैं कि क्या स्कोर कार्ड बनता है हमारा, कौन इसका होता सही है। जवाब सिर्फ आशीष जी ने दिया मोहन जी ने और आशीष ने दिया है, तो मोहन जी ने लीड को और लगभग बढ़ा लिया है जी। तो दो ही आंसर हमें आए हैं। आशीष जी जो कि स्काइप यूजर है, हालांकि व्हाट्सएप पे जो आशीष जी है उन्होंने दिया था, लेकिन उनका आंसर थोड़ा सा लेट आया था और वो चाहते हैं कि हम उनका आंसर ऐड कर लें, लेकिन आशीष जी हमने अनाउंस कर दिया था उसके बाद आपका आंसर आया था। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सुन रहे हैं हमारा शो, एक बार अपनी अपनी प्लेलिस्ट को रिफ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा डिले हो रहा है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ फटाफट से। सवाल है, If a truck called train, train is called tractor, tractor called ship, ship called aeroplane, aeroplane called bulldozer, and bulldozer called scooter, which of the following can be fly? जी, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। If a truck call train, train call tractor, tractor call ship, ship call aeroplane, aeroplane call bulldozer, or bulldozer call scooter, which of the following can fly? Options है ship, aeroplane, bulldozer, tractor। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। Options है ship, aeroplane, bulldozer और tractor। जी यादव जी, यदि ट्रक को ट्रेन कहा जाता है और ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाता है, ट्रैक्टर को जी नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं आप। अगर ट्रैक्टर को ट्रेन कहा जाता है, ट्रेन को शिप कहा जाता है, शिप को जी, अगर एक ट्रेन जी, अगर एक ट्रक को ट्रेन कहा जाता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं जी? जी, अगर एक ट्रक को ट्रेन कहा जाता है, अगर ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाता है और ट्रैक्टर को शिप कहा जाता है, शिप को एरोप्लेन कहा जाता है और एरोप्लेन को बुलडोजर कहा जाता है और बुलडोजर को स्कूटर कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा वाहन उड़ने में सक्षम है? ए शिप, बी एरोप्लेन, सी बुलडोजर या फिर डी ट्रैक्टर। जी, और टाइम आपका शुरू होता है अब। मैं बता दूं कि इसके पहले मैं टाइमर चलाऊं, आशीष जी का जवाब हमें आ गया है और दीपा जी का भी जवाब हमें आ गया है। द गेम बिगिंस इन 3 2 1। आशीष अग्रवाल जी का रिप्लाई आ गया है। सवाल तो वैसे है तो बहुत है, हमने पहले भी इस टाइप के सवाल लिए थे। सवाल है, अगर ट्रक को ट्रेन कहा जाए, ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को शिप कहा जाए, शिप को एरोप्लेन कहा जाए और एरोप्लेन को बुलडोजर कहा जाए, बुलडोजर को स्कूटर कहा जाए, तो इसमें कौन सा ऐसा साधन है जो उड़ने में सक्षम है?
लग रहा है, फटाफट क्या जवाब देना है टाइम। और जिन लोगों को सवाल नहीं आता उनके लिए ऐसा लगता है कि समय को जैसे पंख लग गए हैं। जी बिल्कुल, और सवाल टाइम हो भी गया है वैसे मैं बता दूं। और जो जवाब मेरे पास आया है, मोहन जी कहते हैं बुलडोजर, और आशीष जी भी कहते हैं बुलडोजर। आशीष जी आप वॉइसर मत करिए हमें। दिलीप जी कहते हैं शिप। दीपा जी भी कहती हैं बुलडोजर। जी मेरे पास जो आया है वो आशीष अग्रवाल जी कहते हैं ऑप्शन थ्री। ओके, ऑप्शन थ्री क्या है सर? सबके जवाब पढ़े जा चुके हैं जी? नहीं, ऑप्शन थ्री है बुलडोजर, और आशीष जी ने भी कहा है बुलडोजर, दीपा जी ने भी कहा है बुलडोजर। ओके, तो दिलीप जायसवाल जी कहते हैं शिप। तो जो और मोहन जी क्या कहते हैं? मोहन जी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक जी, लेकिन शायद आपने पढ़ा है मोहन जी का रिप्लाई जहाँ तक। नहीं शायद, देखती हूँ मैं एक मिनट आशीष जी, आपका आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वॉइस चैट मत करिए, क्योंकि आपके आंसर के कारण मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नहीं जी, हाँ मोहन जी का आंसर मुझे अब आया है, ये भी कहते हैं बुलडोजर जी। बुलडोजर मोहन जी, दीपा जी और आशीष जी कहते हैं बुलडोजर, और दिलीप जायसवाल जी कहते हैं शिप। ओके, और जो सही आंसर है जो व्हाट्सएप पे भी आया है मेरे हिसाब से, आशीष जी जो स्काइप पे हैं वो भी कहते हैं बुलडोजर, तो बुलडोजर इज द राइट आंसर जी। इसमें एक्सप्लेनेशन की तो कोई जरूरत नहीं, अगर आप सीधे देखें कि अगर आप ट्रक को ट्रेन कहते हैं, ट्रेन को ट्रैक्टर कहते हैं, ट्रैक्टर को आप शिप कहते हैं, शिप को एरोप्लेन कहते हैं, और एरोप्लेन को बुलडोजर कहते हैं, तो यहीं पे आपको आंसर मिलता है, क्योंकि उड़ पाने में एरोप्लेन सक्षम है, और एरोप्लेन को यहाँ बुलडोजर कहा गया है। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल लॉजिक होता है, ये कंफ्यूजिंग से सवाल होता है कि शिप को एरोप्लेन कह दिया तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि शिप ही है उड़ने में सक्षम, लेकिन ये तो हम मैं अब जैसे मेरे पास दो आरजे हैं और मेरी मर्जी है मैं यादव जी को वरुण कहूँ या वरुण को यादव जी कहूँ, लेकिन जो वरुण है वो तो वरुण ही रहेगा। तो यही हमें यहाँ पे लॉजिक देखना है कि हमको फ्लाई करने के लिए कौन सा यातायात सक्षम है, तो वो है एरोप्लेन। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एरोप्लेन को क्या कहते हैं, जो कि कहते हैं यहाँ पर हमारे सवाल के सबसे बुलडोजर, तो बुलडोजर इज द राइट आंसर जी। तो क्या करें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें? हाँ जी, एक 5 मिनट टाइम है, बिल्कुल अगला सवाल कर सकते हैं। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, आपको बताना है कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स कम इन 1 to 50 नंबर्स। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? जी आशीष अग्रवाल जी का रिप्लाई हमें आ गया है जी। और संभवतः इन्होंने ये जो मैथ पर रेडियो उड़ान की नई सीरीज प्रारंभ हुई है वो उन्होंने सुनी ही होगी। उसी से ही हमने सवाल लिया है, हम ये चाहते हैं कि हमने सारे शोज आप तक पहुंचाएं, हम यही बताना चाहते हैं कि देखते हैं कि कितने लिसनर सुनते हैं हमारे। दिलीप जी, दीपा जी का आंसर हमने आ गया है, और टाइमर भी चल रहा है। 1 से 50 तक ऐसे कितने नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभाज्य संख्या जो 1 से 50। क्योंकि इसमें हमने विकल्प नहीं दिए हैं, और अगर इन श्रोताओं के उत्तर सही पाए जाते हैं तो इसके दो मायने होंगे,
या तो इसका इन्हें पूर्व में ही ज्ञान रहा होगा या फिर इन्हें इन्होंने आपका शो अवश्य ही सुना होगा। जी तो इस बार मैं बता दूं कि इस बार फिर से वही तीन जन के जो जवाब है, दीपा जी, आशीष जी और मोहन जी, इनका आंसर है 15 और दिलीप जी कहते हैं 25। जी मेरे पास जो यहाँ पे जवाब है वो 15 कहते हैं आशीष अग्रवाल। जी तो आप क्या कहते हैं यादव जी? जी मेजॉरिटी के साथ। जी बिल्कुल 15 इज द राइट आंसर, 15 ही बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या जो है 1 से लेके 50 तक, और यही बहुत सिंपल है, इसको अगर हम कैलकुलेट भी करें, और ये मैं बता दूं कि अगर आपसे 100 से तक पूछ लिया जाए, अगर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है तो वो होती है 25। तो आपको ये कुछ फैक्ट्स है जो कि हम अपने शो में कवर कर रहे हैं। मेरा शो आता है हर शनिवार को, शुक्रवार को रात को 9 से 10 में। इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको काफ़ी लाइफ में यूजफुल आएगी, किसी भी एग्जाम्स में या कहीं पर भी कोई भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं तो काफ़ी मज़ेदार से फैक्ट्स लेके हम आते हैं और काफ़ी इजी मेथड भी लाते हैं, तो आप बिल्कुल सुनिएगा। और कल मैंने एक सवाल पूछा था सभी लिसनर्स से कि हमारा जो वोकैबुलरी डोज आता है उसमें कौन सा लेटर यूज किया गया था, उसमें भी काफी लिसनर्स के हमें जवाब आए तो बहुत खुशी हुई। मैं साथ में ये भी बता दूं क्योंकि अब ये शो का अंतिम पड़ाव आ गया है, तो एक बात और बता दूं कि हमारे काफी सारे लाइव शो होते हैं और रेडियो उड़ान का जो हमारा ग्रुप थे अलग अलग नाम से, मिसेस कन्फ्यूजन या अंताक्षी या लेट्स प्ले प्ले 2020, तो इन सबको मिलाकर हम एक ही ग्रुप बना रहे हैं। तो जो भी हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उड़ान लाइव शोज के नाम से ये ग्रुप है और सभी उसमें अपने आंसर्स भेज सकते हैं। जी तो वरुण जी क्या कहता है स्कोर कार्ड? स्कोर कार्ड तो जी बहुत पता है, मैं रिप्लाई बताता हूँ। यूसुफ वोरा जी 1, सरिता जी जो है 0, मोहन 7, दीपा जी 5, आशीष अग्रवाल जो कि कोलकाता से हैं वो 3, दिलीप जी 0, आशीष अग्रवाल जी 3। ओके, यानी कि आज के जो विनर रहे हैं, यानी कि जीनियस ऑफ द वीक रहे हैं, वो हैं मोहन जी। तो मोहन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। दीपा जी आप भी बहुत अच्छा खेल रही थी लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गई, कुछ एक आधे सवाल शायद आपने नहीं दिए या गलत हो गए। और बाकी सभी लिसन, दिलीप जी आप भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप हर शो का आंसर, हर क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो मुझे लगता है कि ये चीज होनी चाहिए सभी लिसनर्स में, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन हमें आंसर्स हर सवाल के देने चाहिए। जी यादव जी आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई विजेता बनने के लिए मोहन जी को, लगातार उन्होंने बढ़त को बनाए रखा। और दीपा जी पीछा तो कर रही थी लेकिन असफल रही, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 सवाल दोनों ने ही सही दिए हैं, लिहाजा मोहन जी की बढ़त कायम रही। बाकी अन्य लोगों ने भी बहुत अच्छी कोशिश की और अंत में विजयी रहे मोहन जी। लेकिन विजेता आप सभी श्रोता ही हैं जो इस शो को 4 चांद लगाते हैं, सुनते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं, और इसी वजह से यह कार्यक्रम शुरुआत से अभी तक शीर्ष पर बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप सभी का साथ है, इसीलिए आज 3 साल होने को आ जाएंगे थोड़े ही टाइम में। और मैं बता दूं कि हमारे वैसे काफी सारे लिसनर्स को पता भी है, लेकिन फिर भी जाते जाते बता दूं कि इस बार रेडियो उड़ान की जो कन्वेंशन है, यानी कि 3रा जो साल है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हैदराबाद में। तो अपने अपनी रिजर्वेशन कराना मत भूलिएगा, हमारी वेबसाइट पे आप डिटेल को पढ़ सकते हैं, पूरा स्केड्यूल है वहाँ पर और कब कब प्रोग्राम है, रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो बिल्कुल तैयारी करिएगा हैदराबाद आने की, क्योंकि यही एक मौका है जहाँ पर हम सब आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। तो इसी के साथ आज का शो को हम विराम देते हैं। जी वरुण जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आशीष अग्रवाल जी का रिक्वेस्ट आ गई है हमारे पास। चलिए अच्छी बात है जी। चलिए और बाकी भी लिसन से रिक्वेस्ट है कि जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, उड़ान की कन्वेंशन में आएगा, यहाँ पर आपको काफी एंटरटेन मिलेगा, काफी कुछ मिलेगा।
जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यही एक मौका मुझे लगता है कि साल में एक बार हमें मिलता है जहाँ पर हम सब एक साथ आपस में मिले, एक दूसरे को जानने का और मिलने का, एक गेट टुगेदर करने का ये बहुत अच्छा मौका हमें रेडियो उड़ान के जरिए मिलता है। चलिए इसी के साथ आज के शो को हम विराम देते हैं। मैं मीना सिंह भी आपसे लेती हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय इसी शो में। तो मेरी तरफ से गुड नाइट, शब्बा खैर। जी वरुण जी, सबसे पहले तो जो हमारे विनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई जीतने के लिए, और बाकी लिसनर्स भी बहुत अच्छा खेले, चाहे वो आशीष अग्रवाल जी कोलकाता से हों या स्काई वाले जो छत्तीसगढ़ से हैं वो, या जितने भी हमारे साथ खेल रहे थे और जो भी हमें सुन रहे थे उनको बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही सुनते रहिए हमारा शो। जी यादव जी। जी बिल्कुल, मैं अपने कंक्लूजन दे चुका हूँ और बहुत बहुत बधाई सभी श्रोताओं को। और अब वक्त इजाज़त देता नहीं है कि हम प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लिहाजा हम सभी को लेनी होगी इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।